हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक लैब्राडोर और एक बीगल है उनसे मिलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो उनका नाम वगैरह क्या है, क्या क्वालिटी है, आपको वीडियो में दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं उनके घर में। उनका घर मेरे घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर है, तो हम जाने वाले हैं अभी। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है आशीष डॉग वर्ल्ड और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगी और वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे रील्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो हे गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अभी टेरिस पे। आप देख सकते हो मेरे पीछे, यानी कि 4 ब्रीड है अलग अलग और एक सेल के लिए भी अवेलेबल है और काफ़ी लोवेस्ट प्राइस में है। तो चलो भाई से मिलते हैं और पूछते हैं। लैब्रा और अमेरिकन बुली और बीगल वगैरह भी है यहाँ पे, तो भाई से पूछते हैं उनके बारे में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं भाई के पहले डॉग से। तो भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम भाई ब्राउनी है। ब्राउनी है और चॉकलेट कलर की है, लैब्राडोर है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो इसको नागपुर से परचेज किया। नागपुर से, अच्छा किसके यहाँ से? तो इसकी एज क्या है अभी? इसकी 19 मंथ्स। 19 मंथ के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है दोस्तों। और ये कलर काफ़ी रेयर होता है, आप देख सकते हो पूरा ब्राउन कलर है, चॉकलेट आप देख सकते हो। और क्या इसकी अभी 19 मंथ एज है, तो इसकी हिट कितनी बार आ गई है? भाई एक बार आ गई उसकी, 14 मंथ पे हिट आई। अच्छा 14 मंथ पे एक बार हिट आ गई है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो अभी 1-2 महीने में और आएंगी हिट, नवम्बर में 6 तारीख तक के आ जाएंगे। अच्छा तो इसको खाने में क्या देते हो आप? ड्रूल्स का फूड देते हो? अच्छा और इसको क्या बेसिक ट्रेनिंग वगैरह भी आती है? हाँ भाई। अच्छा तो क्या दिखाओगे ऑडियंस को? देख सकते हो दोस्तों आप। तो भैया आने वाले समय में क्या आप इसकी मीटिंग कराओगे? हाँ भाई। और ब्रीडिंग चालू करेंगे? हाँ। अच्छा तो क्या मेल देखा है ऐसा, या अभी तक आपके पहचान में आया है या आने का है? भाई आने का है। अच्छा तो दोस्तों अगर आपके पास लैब्रा का ये कलर में अगर मेल स्टड के लिए अवेलेबल हो तो आप कॉल कर सकते हो। भाई आपका नंबर बता सकते हो? हाँ भाई 8421213 3 9555 7676। तो ये भाई का नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। अगर आपके पास ये कलर का, यही कलर का मेल लगाना चाहोगे या कोई अदर कलर का मेल भी चलेगा आपको? भाई यही कलर का, पर क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। अच्छा तो यानी कि ये जो फीमेल देख रहे हो ये क्वालिटी में ऐसी ही क्वालिटी हो ना मेल की, तभी भैया मेट कराएंगे अपनी फीमेल को। और तो चलो दोस्तों भाई की दूसरी फीमेल से मिलते हैं, फीमेल है या मेल है तो उनसे मिलते हैं। वो बहुत चिल्ला रही है, वो देख सकते हो आप, अमेरिकन बोली वो बोल रही है। अभी मिलते हैं भाई की दूसरी फीमेल से। तो अभी मिलते हैं, क्या नाम है इस ब्रीड का? अमेरिकन बुली। अमेरिकन बुली। तो दोस्तों अभी मिलते हैं हम अमेरिकन बुली से और पूछते हैं उसके बारे में कितनी मंथ्स की है। वो फीमेल तो है मैंने बता ही दिया, और भाई ने कहा से लिए तो मिल सकते हो आप भाई की दूसरी फीमेल से। ये फीमेल ही है ना? हाँ भाई। हाँ तो ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये फीमेल ही है अमेरिकन बुली। और ये कितने मंथ की है? ये फाइव मंथ की एज है दोस्तों, लग नहीं रहा मेरे को ये 5 मंथ के हिसाब से बहुत बड़ी दिख रही है। इसकी हिट अभी तक के आने की है? आने की है। अच्छा इसकी हिट अभी तक के आने की। इसका नाम क्या है? स्टेला। तो दोस्तों इसका नाम है स्टेला। तो ये आपने कहाँ से खरीदे थे, नागपुर से ही खरीदे थे या नागपुर से बाहर? नागपुर से ही खरीदे थे भैया ने। और आपको भी, इसको भी आप ड्रूल से खिलाते हो? नहीं, इसको स्मार्ट हार्ट। अच्छा इसको स्मार्ट हार्ट चालू है दोस्तों, भाई के अलग अलग डॉग्स को अलग अलग डॉग फूड चालू है। और क्या आप इनको कभी कभी घर का वगैरह भी खाना देते हो? हाँ भाई। और एक टाइम चिकन रहता है रात। अच्छा। और दोपहर में कर्ड रहता है दही। अच्छा हाँ। और सुबह में सिर्फ फूड। अच्छा बाकी कुछ? और नॉनवेज वगैरह कुछ देते हो अपने डॉग्स को आप? हाँ भाई चिकन। अच्छा चिकन और एक तो देते हैं, यानी कि हफ्ते में दो तीन बार देते हो। क्या इसकी भी ब्रीडिंग करने वाले हो आप फ्यूचर में? हाँ भाई। तो इसकी भी ब्रीडिंग करेंगे भैया, अगर आपको भी आपको आपके पास अगर जबरदस्त क्वालिटी में मेल होगा 5-6 महीने बाद या 1.5 साल के बाद, तो भैया को बता सकते हो। भैया का नंबर तो मैंने बता ही दिया हूँ। तो क्या आप कभी डॉग शो में वगैरह लेके जाते हो डॉग्स को अपने? नहीं भाई, आगे ट्राई करूंगा। अच्छा आगे ट्राई करोगे। और कौन से डॉग को लेने, यानी कि लेके जाना चाहते हो आप? ये
लैब्राडोर को और ये बीगल को। अच्छा, ये बीगल भी है दोस्तों, उसके बारे में भी पूछेंगे भैया को। और ये लैब्रा को बेसिक ट्रेनिंग आती है, पर वो अभी मूड में नहीं है, इसलिए वो कर नहीं रही है दोस्तों। और इसको डॉग शो के लिए तैयार किया जा रहा है, तो उसी की वजह से भैया ने अभी तक इसकी ब्रीडिंग वगैरह भी नहीं कराई है, पर आने वाले टाइम में ब्रीडिंग भी कराएंगे भैया। तो क्या इसको इसको भी कुछ आता है बेसिक ट्रेनिंग वगैरह? नहीं भाई, इसको उतना कुछ नहीं आता। अच्छा, इसको नहीं आता, वो काफ़ी अभी छोटी भी है दोस्तों, 5 महीने की ही है, आने वाले टाइम में इसको सिखा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो भैया का, ये मेल है बीगल का। तो ये कितने मंथ का है भाई? ये भाई 4 साल का। ये 4 साल का है दोस्तों, देख सकते हो आप, और काफ़ी हेवी क्वालिटी में दिख रहा है मेरे को। इसके ईयर वगैरह भी देख सकते हो आप, काफ़ी लंबे हैं और रिंकल्स भी आते हैं इसके फेस पे, आप देख सकते हो हाइट वगैरह। और इसको क्या चालू है ये फूड? इसको कैनन क्रिक। इसको कैनन क्रिक। अच्छा, कैनन क्रिक चालू है दोस्तों इसको। और इसने अभी तक के कितने मीटिंग वगैरह मारा हुआ है? 10-15 से 10-15 तो मारा है। अच्छा, देख सकते हो दोस्तों 10-15 के ऊपर इसने मीटिंग मारा है। तो इसने जिस फीमेल के साथ भी मीट मारा है, तो उसके बच्चे कितने होते हैं लीटर? 5 होते हैं 6 होते हैं। अच्छा, ये 5 या 6 बच्चे होते हैं दोस्तों एक बार? वो फीमेल के ऊपर रहता है भाई। अच्छा, वो फीमेल के ऊपर रहता है, पर नहीं, जो जैसे कि कोई कोई मेल रहता कि ये 5 बच्चे डालता है, 10 बच्चे डालता है। तो बीगल कितने बच्चे डालती है एक टाइम में अगर फीमेल? अच्छा, इसका लीटर साइज हाईएस्ट 8 है दोस्तों, यानी कि देख सकते हो आप। और ये काफी शानदार मेल लगा मेरे को दोस्तों, आप रिंकल्स वगैरह देख सकते हो इसके, अभी ये देख सकते हो। और ये आपने कहाँ से खरीदे थे? ये पंजाब भाई। अच्छा, पंजाब से लाए थे। क्या ये KCI? अच्छा, KCI रजिस्टर्ड है। और ये बाकी सब, ये वाले बाकी सब अपने दोनों भाई? वो उसके तो पेपर नहीं मिले लैब्राडोर। अच्छा, लैब्राडोर के पेपर नहीं मिले। और उसको भी बोल के दिया था कि भाई KCI पर उसके पेपर नहीं मिले। अच्छा, इसके लैब्रा के? और इसके विदाउट KCI? अच्छा, ये विदाउट KCI दोस्तों, ये KCI बोल के भैया ने लिए थे, बट जो ब्रीडर रहता है उसने इसके पेपर नहीं दिए है। और ये बीगल के पेपर वगैरह सब कुछ है अपने पास? बीगल के पेपर वगैरह है अपने पास अभी? अच्छा, तो इसको शो में लेके नहीं जाते आप? नहीं भाई, शो में नहीं लेके जाते। अच्छा, पर देख सकता, मैं लेके जा सकता। अच्छा अच्छा, यानी कि फ्यूचर में देख सकते हैं, जब नागपुर में डॉग शो वगैरह होगा। हाँ, तो आप लेके जाओगे? हाँ भाई। तो आप इससे मिल सकते हो नागपुर में, अगर अभी आने वाले समय में डॉग शो है तो आप वहाँ पे लेके जाना चाहते हो। और अपने पास और कौन से डॉग है? और स्ट्रीट डॉग भी है एक दो। अच्छा, स्ट्रीट डॉग भी है भाई के पास। और अभी पप्पी वगैरह अवेलेबल है कोई? हाँ भाई, पोमेलियन का पप्पी है। अच्छा, पोमेलियन का पप्पी है दोस्तों, आप आपको अभी दिखाऊंगा। और काफी बजट में है? हाँ भाई। और भाई के पास बजट में बच्चा भी है, तो चलो पप्पी से मिलते हैं। भाई इसके भी बच्चे अवेलेबल है। अच्छा हाँ, तो दोस्तों इसके भी पप्पी अवेलेबल है अभी। अभी कितने दिन के है पप्पी इसके? 25 दिन के भाई। अच्छा, 25 डेज के इसके बच्चे अवेलेबल है दोस्तों। और वो फीमेल के तरफ बच्चे है, तो वो दोस्ती है सर आपका? हाँ भाई। और भले या हाईएस्ट रेंज में अवेलेबल? एकदम ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। अच्छा, तो बच्चे अवेलेबल है दोस्तों, पर मैं मेरी वीडियो में प्राइस नहीं बताता, तो अगली वीडियो अगर हो सके तो आपको मिल जाएंगी उसकी, और उसकी भी क्वालिटी दिखा देंगे, यानी कि जो फीमेल है वो उसकी। अच्छा, भाई का भी जो जिसके पास पप्पीज है उसका भी डॉग कैनल है दोस्तों। और क्या वो वाली फीमेल भी, वो वाली फीमेल भी KCI है? वो भाई विदाउट KCI। अच्छा, विदाउट KCI है। तो चलो दोस्तों भाई के पोमेलियन से मिलते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है जोजो। तो दोस्तों देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में अवेलेबल है। तो ये आपने आपके घर की ब्रीड का है? नहीं भाई, ये मेरे दोस्त की ब्रीडिंग का है। अच्छा, दोस्त के पास इसकी फीमेल वगैरह है? वो तो मदर है। इसकी मदर है पपीज की, तो भैया ने इस भैया के पास लाके छोड़ा है, ताकि ये सेल के लिए मैं वीडियो बना रहा था, इसके कारण भी भैया के पास है ये। तो क्या ये कितने मंथ की है? ये भाई 2 मंथ्स की है।
ये 2 मंथ की है दोस्तों, आप देख सकते हो 2 मंथ में काफ़ी हेल्दी वगैरह है और आप देख सकते हो। और उसका वैक्सीन भी हो गया है। अच्छा, इसका दोस्तों प्लस पॉइंट ये है कि एक वैक्सीनेशन भी हो गया है। और ये लोएस्ट प्राइस में है या थोड़ा हायर, क्या क्या बजट में है ना ये बच्चा? हाँ भाई, या दोस्तों देख सकते हो आप, जिनका बजट नहीं होता एकदम बजट में है और आप खरीद सकते हो दोस्तों। तो मैं भाई का नंबर वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, भाई को कॉल वगैरह कर सकते हो आप, और जो इंटरेस्टेड हो वही कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और भाई के डॉग से भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी वाले डॉग्स है दोस्तों, और ब्राउन कलर की आपके पास मेल अवेलेबल होगा लैब्रा में तो आप बता सकते हो, और अमेरिकन बुले भी काफ़ी क्वालिटी में है, और लैब्रा की क्वालिटी यानी कि बीगल की क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो, रिंकल वगैरह, फेस वगैरह, हाइट वगैरह और ईयर्स वगैरह काफ़ी शानदार है। तो यहाँ तक मेरी वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो दोस्तों तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना दोस्तों में, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों आपके पास कौन सा डॉग है और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर दोस्तों आपको भी अपने डॉग की ऐसी वीडियो बनाना है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9767166748, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया दोस्तों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है आशीष डॉगवल, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।